Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session, I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems, so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. We are now doing the poem Dust of Snow. It is written by Robert Frost. ठीक है, अब Robert Frost किस तरह का poet था? नेचर पोएट. वो नेचर के बारे में लिखता ज़रूर था, बट उसको साथ के साथ एक लाइफ लेसन के साथ कनेक्ट करता था. वो लाइफ लेसन क्या होता था? एक ऐसा लाइफ लेसन जिससे एक शिक्षा मिलती थी, राइट? अगर हम डस्ट ऑफ स्नो की बात करें तो उसमें नेचर में क्या ऐसी चीज़ हुई थी? मतलब जो बुरी चीजें उन्होंने अच्छा किया था, इसमें जरूरी नहीं है कि नेगेटिविटी अगर हमारी लाइफ में हो तो नेगेटिविटी ही रहेगी. कई बारी जो चीजें नेगेटिव होती हैं वो कंबाइन होकर हमारे लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर जाती हैं, राइट? अब इस पोएम में तीन नेगेटिव बातें हैं, वो क्या क्या है? क्रो नेगेटिव किस तरह से है? इट्स अ बर्ड ऑफ इल ओमेन. सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है कि क्रो जो है वो अपने साथ इनऑस्पिशियसनेस लेकर आता है, इल ओमेन, बुरी बातें लेकर आता है. ठीक है, सेकेंड नेगेटिव चीज क्या है? हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री क्या है? ये एक पॉइजनस ट्री है, राइट? थर्ड नेगेटिव बात क्या है? स्नो. स्नो ठंडा होता है, कोल्ड. हमने आपको थी फायर एंड आइस, इसके बाद वाली है ना, उसमें भी आइस वर्ड यूज होता है, राइट? स्नो कोल्ड क्या शो करता है? द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ. इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में कोल्ड या स्नो या आइस या बर्फ किस चीज को सिंबलाइज करता है? द डिफिकल्टीज इन लाइफ. तीनों ही नेगेटिव बातें हैं, बट ये तीनों जब पोएम में कंबाइन हुई तो पोएट के साथ क्या हुआ? उसका मूड अपलिफ्ट हो गया, राइट? वो नीचे से गुजर रहा था, एक सूखा हुआ पेड़ था, हेमलॉक ट्री था, उसके ऊपर आके क्रो बैठा, राइट? क्रो इज़ अ बर्ड ऑफ इल ओमेन. क्रो ने बैठते बैठते, विंटर सीजन था, ट्री के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी, जब क्रो उस ट्री पे बैठा तो वो बर्फ़ जो है वो डिस्प्लेस हो गई. डिस्प्लेस हो गई मतलब जगह से हिल गई, और नीचे जब पोएट गुजर रहा था तो उसके ऊपर आकर गिर गई, राइट? अब नॉर्मल कोई हो तो ये सोचे कि मेरे कपड़ों में स्नो चली गई, मुझे और ठंड लग रही है. बट ज़्यादातर लोगों को स्नो इस तरह से हल्की फुल्की जो पाउडरी स्नो होती है, नॉट द हार्ड स्नो, हेल्स तो हम हेल स्टोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो पाउडरी स्नो होती है, जो बिल्कुल सॉफ्ट स्नो होती है, वो हम पे गिरे तो हम इन्जॉय भी करते हैं, है ना? जो लाइफ को इन्जॉय करते हैं वो इस पल को भी इन्जॉय करेंगे. और जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर यहाँ पे हु वॉज वॉकिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसने खुद की बात बताई है कि इट हैज़ गिवन माई मूड अ लिफ्ट. आपकी पोएम की लाइन थी, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, राइट? माई हार्ट किसका दिल है? पोएट का. पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. चेंज ऑफ मूड मतलब, अब ये चीज़ समझने वाली है, चेंज ऑफ मूड. अगर वो अब खुश है तो इस पल से पहले वो कैसे था?
दुखी था, परेशान था, अपने दुख में चल रहा था, बट बर्फ उसके ऊपर गिरी, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और वो चेंज कैसा था, वो पॉजिटिव चेंज था, उसका दिल खुश हो गया. ओके, पोएम है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. क्लियर है कि जिस तरह से एक कौवे ने, क्रो इज कौवा, कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो मतलब पाउडरी स्नो, जमी हुई बर्फ नहीं है, डस्ट है, बहुत हल्की फुल्की, बहुत लाइट है, मेरे ऊपर जिस तरह से हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ के बर्फ गिराई, तो उसने क्या किया, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ गुड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. र्यूड का मतलब अफसोस कर रहा था कि बड़ा बुरा दिन गुजर रहा है, ये अभी तक तो मुझे डांट ही डांट पड़ रही थी, है ना. इमेजिन करो घर से आ रहे हो, मम्मा ने झापड़ लगा दिया, लेट नहीं, लेट हो गए, फिर स्कूल आने से पहले बस मिस हो गई, पापा ने झापड़ लगा दिया कि जल्दी नहीं उठा जाता, फिर घर स्कूल में आके टीचर ने झापड़ लगा दिया कि टाइम पे नहीं आए हो, है ना, फिर प्रिंसिपल मैम के पास आपको लेकर के चले गए कि आपका तो परफॉर्मेंस भी ख़राब है. तो वॉज इट अ हैप्पी डे? इट वॉज अ टेरिबल डे. यू आर र्यूइंग, आपको अफसोस हो रहा है इस दिन पे कि कैसा दिन चढ़ा है. उसके बाद रीनू मैम ने टेस्ट दिया जिसमें 20 out of 20 आ गए, फिर चेंज ऑफ मूड, वो फिर पूरा दिन खराब नहीं हुआ, अब कुछ ऐसी अच्छी बात हो गई है जिसने मुझे स्माइल करने पे मजबूर कर दिया, राइट. इट हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे विच आई वॉज व्यूइंग सो फार. सो फार मतलब अब तक मुझे दुख हो रहा था बट अब मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी नाउ. सिर्फ 8 lines की पोएम है, इसकी राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम कैसे पता चलती है, हर लाइन का लास्ट वर्ड देखो, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, क्रो, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, मी. क्रो और मी राइम करता है, नो, तो क्रो को आप ए दे दो और मी को बी दे दो. अब थर्ड लाइन देखो, स्नो, इज क्रो राइमिंग विद स्नो, जिन लाइन में सेम राइमिंग वर्ड होता है उनको सेम नेम देना होता है, तो अब आप थर्ड लाइन को स्नो को भी आप ए दे दोगे. उसके बाद ट्री, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ट्री, इज इट राइमिंग विद मी, तो ट्री को अब हम कौन सा नंबर देंगे, बी, तो हमारा राइमिंग स्कीम क्या हुआ, ए बी ए बी. अगर तो पूरे पोएम में हर पैराग्राफ का यही राइमिंग स्कीम है तो हम बोलते हैं पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी ए बी है. कई बारी लाइंस डिफरेंट होती हैं, कई बारी राइमिंग स्कीम अलग अलग स्टैंजास में अलग होता है, तो फिर हम स्टैंजा वाइज राइमिंग स्कीम बताते हैं, राइट. अब सेकेंड स्टैंजा में चेक करो, हार्ट, अब हम नया स्टैंजा कर रहे हैं तो दोबारा से हम उसको ए देंगे. मूड राइम कर रहा है हार्ट के साथ, नो, तो बी. पार्ट इज राइमिंग विद हार्ट, तो उसको हम ए देंगे. Rude is rhyming with heart? No. Rude is rhyming with mood? Yes. तो इसको हम B देंगे. अब दोनों stanzas की same rhyming scheme है, A B A B. तो अंदर rhyming scheme of the poem is A B A B. बेटे ऐसे नहीं पूछा जाता, आपको stanzas के हिसाब से ही पूछा जाता है. जनरली नहीं पूछा जाता है unless पूरे poem की एक ही rhyming scheme है. एक्सट्रैक्ट की ही राइमिंग स्कीम पूछी जाती है. ओके, नाउ लिटरेरी डिवाइसेस, राइट. इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं, सिमिली कहाँ पे है, इस पोएम में सिमिली कहाँ पे है राजे, कहीं पर भी नहीं है, राइट. इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस है सिम्बॉलिज्म. सिंबल्स कौन कौन से हैं, मैंने आपको बता दिया है, क्रो सिंबल ऑफ इल ओमेन, स्नो सिंबल ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, एंड हेमलॉक ट्री इट इज पॉइजनस ट्री. तो यहाँ पे सिंबॉलिज्म है,
दे रिप्रेजेंट स्मॉल एंड स्मॉल डिफिकल्टीज और अनप्लेजेंटनेस ऑफ लाइफ. ठीक है, उसके बाद देर इज अलिटरेशन. चेंज ऑफ मूड में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है राजे? कोई भी नहीं है बच्चे. उसके बाद अलिटरेशन है कौन सी लाइन में? सेव्ड सम. अलिटरेशन क्या होता है? सेम अल्फाबेट के सेम साउंड. सेम साउंड. मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, शिप और सेव्ड अलिटरेशन होगा. क्यों? शिप का साउंड श है और सेव्ड का साउंड स है. राइट, स्पेलिंग जरूर ऐसे है बट अलिटरेशन इज नॉट सेम स्पेलिंग, इट इज द सेम साउंड, नॉट राइट साउंड. सो सेव्ड एंड सम इज अलिटरेशन. राइट, ओके. Any questions you have from this poem? With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel. And remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.